ये भाई दिखने के कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं गाइस, एक एक ब्लॉक लंबे आयरन गोलम। गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशु बेस्ट में, और आज हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहां पर बहुत छोटे छोटे आइटम होते हैं। बिल्कुल सही भाई, छोटा आइटम कौन से होते हैं? जो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनती है ऐसी पिकैक्स, ऐसे टूल जो कि भाई 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, जिनमें बहुत खतरनाक पावर्स होती है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। लाइक वाला बटन दबा देना, 100 के लाइक का गोल लगा रहा है तुम्हारा भाई, तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा देना। और बाकी जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल यार, 2.5 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज आते जा रहे, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं इस वर्ल्ड में जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है भाई। मेरे को सच्ची में देखना है कि पहली बात तो ये जो जायंट टूल होते हैं हमारे हाथ में फिट कैसे होते हैं, और दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई अच्छी सी विलेज विलेज के पास आए, बट हम लोग कोई बहुत खतरनाक केव के भी पास नहीं है। मेरे को लिटरली लगा था कि क्या पता है खतरनाक रवीन हो या हमें ढेर सारा आयरन मिल जाए, क्योंकि हमें आयरन की तो जरूरत पड़ने वाली है ब्रो। बाकी ओ ये देखो, ओ है भाई है, ये कुछ तो खतरनाक है, पर हम लोग को थोड़ा बच के भी रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे भाई वुडन टूल्स। बिल्कुल सही, कहाँ से शुरू होता है भाई, वुडन टूल से शुरू होता है। तो हम लोग सबसे पहले जायंट वुडन टूल्स भी बनाने वाले हैं। और ये भाई ये 1.18 में हो के गया भाई, हर जगह पे जहां पर भी पहले छोटे छोटे गड्ढे हुआ करते थे ना, वो ऐसे हो गए बिल्कुल एकदम ही नीचे जमीन तक का चले जाए ऐसा लगता है बिल्कुल। तो चलो फटाफट चलते हैं, थोड़ी लकड़ियां तोड़ते हैं हाथ से और उसके बाद बनाते हैं अपने खतरनाक टूल्स को। तो गाइस यार देखो, मैंने नॉर्मल टूल्स तो बना लिया है, बट अब हम लोगों को बनानी पड़ेगी अपनी जायंट क्राफ्टिंग टेबल। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल है और ये ओकलॉक है, ये ओकलॉक इसमें मिक्स क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट द हेक। चलो कोई नहीं, जो भी है इस वाले ओकलॉक का हम लोग प्लैंक निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। एक मिनट, हमें थोड़ा सा और चाहिए होगा, हम लोगों को सिर्फ दो और ब्लॉक चाहिए। हम लोगों को बनानी है अपनी पहली जायंट क्राफ्टिंग टेबल। बिल्कुल सही, क्योंकि बिना जायंट क्राफ्टिंग टेबल के हम लोग नॉर्मल क्राफ्टिंग नहीं कर सकते, मतलब समझ रहे हो ना तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग को बनानी पड़ेगी एक नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल, और उसके बाद इसके बीच में रखेंगे इसको और चारों तरफ लगाएंगे ओक के प्लैंक, और हमारी जायंट क्राफ्टिंग टेबल आ चुकी है। ये मैंने अपने हाथ में कैसे पकड़ी हुई है मेरे को नहीं पता भाई, बट देखो एक बार इसका साइज, जॉइंट क्राफ्टिंग टेबल कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है भाई, ये लिटरली डबल साइज में, और कुछ दिख भी नहीं रहा है इसको हाथ में रख के। एक बार इसको नीचे रखते, ये देखो भाई, ये एक नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल और ये एक जॉइंट क्राफ्टिंग टेबल। क्या चल रहा है भाई इस दुनिया में। बाकी अब हम लोग, ओ भाई साहब ये देख रहे हो तुम लोग, इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे एक ब्लॉक होता है ना, एक ब्लॉक एक का होता है राइट। तो जायंट क्राफ्टिंग टेबल में 9, जो ये 9 दिख रहे ना, ये 9 एक ब्लॉक है, तुम समझ रहे हो, मतलब ये एक ब्लॉक का काउंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे इजी चीज बना के देखते हैं, जो कि होती है एक शवल। ठीक है, शवल सबसे ज्यादा आसान होती है, सबसे कम टूल्स लेती है बनाने में। तो हम लोग सबसे पहले एक शवल बना के देखते हैं। हमारे पास काफी सारे प्लैंक्स हैं, हम लोग बस थोड़ा सा वुड चाहिए होगा, बस हो गया। जैसे हम लोग नॉर्मल क्राफ्टिंग करते हैं ना, इस वर्ल्ड में भी हम लोगों को वैसी नॉर्मल क्राफ्टिंग करनी है। देखो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हम लोगों को शवल के लिए कितना चाहिए होगा, 9, 9, 18, और हाँ अपने पास है काफी। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो ये लगा हमारा एक स्टिक, ठीक है, नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल में एक स्टिक, ये लगी हमारी नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल में दूसरी स्टिक, और अब आएगी जो ऊपर से एक प्लैंक लगता था वो, और ये हमारी, अरे रुक जाओ यार गलती से निकाल दी, और ये हमारी जायंट वुडन शवल तैयार हो चुकी है बनके। तो देखते हैं गाइस जायंट वुडन शवल कैसी लगती है। ओ भाई साहब कितनी ज्यादा मजेदार है, बट ये करती क्या, रुको, राइट क्लिक एनी ब्लॉक फॉर मैजिक, ओके राइट क्लिक एनी ब्लॉक फॉर मैजिक। ओ भाई साहब ये देखो, और ये किसी भी चीज को वुड में बना दे रही है भाई, ये कितनी सही है। ओ भाई साहब, भाई हम लोगों को लिटरली देखो, मेरे को अभी ना बाकी की वुडन चीजें बनाने के लिए भी भाई तोड़नी पड़ती लकड़ी राइट, लेकिन अब मेरे को लकड़ी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को स्टिक लकड़ी सब कुछ फ्री में मिल रहा है ब्रो, खाली राइट क्लिक दबाए रखा है मैंने, ये ब्लॉक्स को वुड बदल रही है भाई, क्या मस्त चीज है भाई। मेरे को सच्ची में अब सारी की सारी चीजें बना के देखनी है ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा हो रहा है कि अगर ये इतनी पावरफुल है तो बाकी चीजें क्या ही खतरनाक होगी। अब हम लोग बनाएंगे एक स्वॉर्ड, ठीक है, तो ये हो गया, बाकी हम लोगों को ये जो ऊपर के दो हैं इसमें ऐसे करके भरना पड़ेगा, और ये हमारी जायंट स्वॉर्ड बनके तैयार हो चुकी है। इसमें क्या होता है, द स्वॉर्ड विल नॉक बैक, मतलब भाई द स्वॉर्ड विल नॉक बैक नहीं, द स्वॉर्ड विल उड़ाओ यू, लिखो भाई ये देखो। ओ भाई साहब भाई ये क्या सही चीज है, सोचो तुम्हें किसी से बचना है, एकदम से भागना है कहीं पे, भाग तो भाई साहब किसी को उड़ा के फेंक सकते हो तुम लोग इतने ब्लॉक में, तो अगर बाय चांस एक क्रीपर फेंका तो मैंने वो अगला साल आएगा भाई वापस। क्या सही चीज है ब्रो ये,
तो गाइस चलो अब अगली चीज बनाते हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं अपने लिए एक एक्स, ठीक है? तो एक जॉइंट एक्स बना के देखते हैं हम लोग। देयर वी गो, ये देख लो भाई, पेंटर हूं मैं, ठीक है? मतलब था, समझ जाओ ना, ये हो गया। बाकी अब हम लोग देखते हैं जॉइंट एक्स से क्या होता है। राइट क्लिक टू स्पॉन सैपलिंग, मतलब ओ वाओ भाई ये देख रहा हूं, अगर मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करूं तो ये सैपलिंग बना दे रहा है किसी चीज का, और अगर मैं एक ही, ओ भाई साहब, तो मतलब कि मैं भाई यहां पर नॉर्मल प्लेन्स में जंगल का मजा ले सकता हूं भाई, लेकिन आ नहीं रही मेरे ख्याल से, जंगल नहीं आता है। हाँ जंगल नहीं आ रहा है शायद से, नॉट श्योर। हाँ आ रहा है यार, आ रहा है, देखो जंगल सैपलिंग तक आ रहा है भाई। भाई क्या सही चीज है ये, सोचो अगर कोई नॉर्मल वर्ल्ड में तुमको मिल जाए, तुम हर टाइप का प्लांट उगा सकते हो भाई। मेरे को तो सच्ची बताओ, मेरे को स्टार्ट होते ही भाई, मेरे को ये डार्क ओक वुड ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बट सीधी सी बात है वो मिलते नहीं है, तो हम लोग इससे कितने इजीली बना सकते हैं, बट ये वर्ल्ड ऐसे काम करता नहीं है, तो वो चीज़ है। और बाकी मारने के लिए तो ये अलग ही मार रहा है, और ना ही दूर से मार रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा बड़ी है बट ये ऐसा नहीं कर रही कि ये तुम्हें दूर से मारने दे रही है। तो हमारे ये टूल्स तो हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ही टूल बचता है जो कि हमारी जायंट पिकैक्स, वुड की पिकैक्स। तो चलो एक बार जाइंट वुड की पिकैक्स बनाने वाले हम लोग। देयर वी गो, अरे यार ये वुड ही खत्म भाई, कितना वुड लग रहा है देख रहे हो तुम लोग एक चीज को बनाने के लिए सिर्फ। तो जाइंट वुडन पिकैक्स में क्या पावर है, कुछ भी नहीं, व्हाट डू हैक, ओके राइट क्लिक से भी कुछ नहीं हो रहा है। ओके तो हमारी जो पिकैक्स है वो एक्चुअल में एक ब्लॉक नहीं तोड़ रही है, वो चार ब्लॉक तोड़ रही है एक बारी में, और चार भी नहीं नीचे के भी एक तोड़ रही है, आठ ब्लॉक। ओ भाई साहब ये क्या सही पिकैक्स है, देख रहे हो तुम लोग एक बारी में हम लोग आठ ब्लॉक तोड़ सकते हैं। अरे भाई हम लोगों को अगली चीज बनाने के लिए स्टोन ही चाहिए, तो ये देख रहे हो हम लोग भाई स्टोन तो क्या मजाक में जमा हो रहा है, देख रहे हो तुम लोग। ओ भाई तो गाइस मेरे को थोड़ा टाइम तो थोड़ा स्टोन जमा करके आता है और फिर बनाते हैं भाई। तो गाइस यार मेरे पास फूड खत्म हो चुका है, मेरे को एक्चुअल में ना पहले एक विलेज ढूंढनी चाहिए थी ताकि मैं आराम से फिर इधर उधर लाइक समझ रहा ना अपना काम धंधे पे ध्यान दे पाता, और अभी तो अपने पास कुछ भी नहीं है फूड वूड के नाम पे, तो थोड़ा सा ये मुर्गी को मारना पड़ेगा भाई, जॉइंट एक्स से मरियम मुर्गी, तुम देख रहे हो कितना खतरनाक बंदा हूं मैं। ओए एक मिनट इधर को, ओके वहां मुझे पम्पकिंस दिख रहे हैं। गाइस एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग एक वो ढूंढते हैं लाइक जमीन, भाई इसको तोड़ने में कितना टाइम लग रहा है। ओके तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक विलेज ढूंढते हैं, उसके बाद अपने स्टोन के टूल्स बनाते हैं। तो गाइस यार रोध होके कैसे ना कैसे करके ही मिली गई भाई मेरे को, लिटरली इतने सारे रॉ फूड खाना पड़ा ना मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता हूं भाई। तो चलो चलते हैं फटाफट से इस विलेज के अंदर, और भाई पहले तो सबसे पहले प्लीज मुझे थोड़ी सी हेबेल दिखा, दिख गई भाई दिख गई मुझे, दिख गई है हेबेल, इनसे नहीं दिखी है। ओके प्लीज यार ऐसे मत बोलना कि पूरी विलेज में एक भी हेबेल नहीं है यार, भाई मैं खाना आने का जुगाड़ कैसे करूँगा, मेरे को दोबारा विलेज ढूंढनी पड़ेगी क्या यार, थोड़ी बहुत तो होगी। अरे एक तो है भाई एटलीस्ट, एक क्या हो रहा है भाई साहब, खजाना तो यहाँ छुपा के रखा हुआ है, लेट्स गो। चलो 15 तो मिनी ब्रेड, ठीक है एटलीस्ट थोड़ी बहुत ब्रेड बन गई अपने पास, तो खाने पीने का थोड़ा हो गया है। हम लोग को एक और विलेज ढूंढनी पड़ सकती है बट अभी के लिए तो काफी है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लगाते हैं अपने जॉइंट, भाई यार ये क्या नॉर्मल लग रहा है क्या तुमको, ये देखो एक बार ये क्राफ्टिंग टेबल है, एक जॉइंट क्राफ्टिंग टेबल भाई, ऐसी 9 क्राफ्टिंग टेबल लगेंगी तब जाके ऐसी क्राफ्टिंग टेबल बनेगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने काफी सारा स्टोन लिया था, सीधी सी बात है हम लोग सबसे पहले वही बनाने वाले जो सबसे कम वो लेगी, हमारा स्टोन लेगी। तो हम लोग बनाएंगे अपने लिए क्या कहते हैं जायंट शवल, क्राफ्टिंग शवल बोलने वाला था पता नहीं क्यों, देयर वी गो। जायंट शवल से क्या होता है, राइट क्लिक टू प्लेस अ जायंट कॉबल, मतलब ओके तो भाई ये तो फिर हर बारी भाई सबसे पहले शवल ही बनाओ ना भाई, सीधी सी बात है सोचो तो सही तुम लोग। ये देखो अब हम लोग ये, ओ भाई ये तो वन टच में तोड़ रही है इसको, तो अपने पास कॉबलस्टोन की कमी नहीं है ब्रो, हम लोग नॉर्मल वाले शवल से बनाएंगे और इससे तोड़ते जाएंगे भाई, सबसे पहले यही चीज बनाओ। अब हम लोग बनाएंगे अपने लिए एक मस्त स्वॉर्ड, देखते हैं स्वॉर्ड में क्या होता है ऐसा, देयर वी गो। स्वॉर्ड से क्या होता है, रीच 20 डिस्टेंस, ओके रुक जाओ जरा भाई, वो कहाँ गया गोलम जो रात को हम लोगों ने देखा था भाई, रात वो रहा रुक जाओ, रीच 20 डिस्टेंस तो क्या 20 ब्लॉक दूर मारेगा, भाई उसको क्रिटिकल डैमेज लग रहा है इतनी दूर से, व्हाट डू हैक, गोलम हमको छू भी नहीं पा रहा है, ये देखो मैं दौड़ते मैं पीछे को दौड़ते हुए मार रहा हूं उसको, ये देख रहे हो भाई ये क्या मस्त चीज है। अरे भाई भाई 20 भाई साहब, हम लोगों को कुछ बिल्ड नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा भाई, इसकी डिस्टेंस रीच 20 ब्लॉक्स है,
चार आयरन के इंग्रेडिएंट भी मिल गए हम लोग, एक्चुअली आयरन का भी सामान बनाता है, बट अभी के लिए सबसे पहली चीज हम लोग बनाएंगे अपने लिए, भाई सीधी सी बात है, हम लोग अपने लिए एक बकेट बना लेते हैं वाटर के, ठीक है। देयर वी गो, वाटर बकेट, वाटर बकेट में थोड़ा सा पानी भी भर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपना अगला जायंट टूल बना के देखते हैं। तो गाइस अगली चीज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं भाई वो होगी हमारी पिकैक्स बना के देखते हैं, ठीक है। पिकैक्स में क्या होगा, कुछ तो पावर होगी क्योंकि लास्ट वाली में क्या था कि वो चार चार ब्लॉक तोड़ रही थी, राइट। अब की बार देखते हैं कि कितना होगा। देयर वी गो, जायंट पिकैक्स हमारी। ओ भाई ये बड़ी भी होते जा रही है कि जैसे जैसे स्टोन और वुड की है तो। ओ भाई कितनी बड़ी लग रही है, हाथ में देख रहे हो तुम लोग भाई, नन्ना मुन्ना रायू हाथ में इतनी बड़ी एक्स दे दी है, मतलब पिकैक्स सॉरी। देखते हैं इसे तोड़ के, आई होप इससे कुछ तो फर्क पड़ता होगा। देयर वी गो। ओ तो जैसे कि हम लोग 2x2 ऐसे करके तोड़ रहे थे, ठीक है, मतलब चार ब्लॉक ऐसे चार ब्लॉक नीचे, अब ये 3x3 तोड़ रही है और नीचे को भी 3, तो ये एक पूरा क्यूब तोड़ रही है। वो एक स्क्वायर तोड़ रहा था, ये अब एक पूरा क्यूब तोड़ रही है, ये देख रहे हो 9 ब्लॉक एक जगह के गायब पूरे, भाई साहब। ओके तो हम लोगों को गाइस अब अपनी वुडन पिकैक्स की तो जरूरत है नहीं, ना ही हमें जायंट वुडन पिकैक्स की जरूरत। भाई एक बार ये देखो, ये है एक नॉर्मल पिकैक्स, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है वो, भाई साहब छोटी सी पिकैक्स और बड़ी पिकैक्स, भाई क्या मस्त लग रहा है भाई देखने में यार। लेट्स गो, अगली जो चीज हम लोग बनाने वाले, देखो हर एक लाइक उसमें जैसे देखो वुड होगा, स्टोन होगा, आयरन होगा, गोल्ड होगा, डायमंड होगा, तो हर एक में हम लोग चार चीजें ही बना सकते हैं, सिर्फ हो नहीं है इसमें पावरफुल ऐसी जायंट हो नहीं होती है, बट हाँ हम लोग इसमें ऐसे करके और भी चीज बना सकते हैं। अब हम लोग लास्ट चीज बनाते हैं जो हमें स्टोन की मिलेगी, वो होगा हमारी स्टोन की एक्स, ठीक है। तो अपनी स्टोन की एक्स क्या कर दी है, राइट क्लिक टू लॉन्च, मतलब रुक जाओ क्या पता इनको लॉन्च कर दिए, नहीं भाई साहब राइट क्लिक टू लॉन्च, अरे मुझे लॉन्च करेंगे मुझे क्या पता था भाई। ओ भाई साहब, ओ मैं मरना लो, ओ भाई एक और बार दबा दिया तो वो दोबारा लॉन्च कर दी मुझे। ओके भाई रुक जाओ रुक जाओ, नदी में कूद मारेंगे, नदी में डुबकी मारेंगे भाई, ऐसे चलते रहते आगे को नदी में डुबकी मारेंगे भाई। ओए 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 लॉन्च करो लॉन्च करो। कितना ज्यादा मजेदार है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं क्योंकि मैं नदी के पास तो नहीं पहुंच रहा हूं। ओके पहुंच गया। ओ नो, ओ भाई मेरे को लगा था मैं नदी में कूदने वाला हूं, मैं भी साइड में जाता मर जाता भाई। कितनी सही चीजें सोचो भाई, तुम्हें किसी बंदे से बचना है एकदम से, सोचो ना कोई आ गया बाई चांस, मतलब कुछ आ गया मान लेते हैं एक बार के लिए, तो तुम ऐसे करके भाग गए, बस 2 मिनट का काम है। तो गाइस यार देखो, स्टोन से जितनी चीज हो सकती थी वो मैंने बना के देख लिया और बाकी मैंने अपना सारा आइटम फेंक दिया, बस एक जायंट स्वॉर्ड को छोड़ के, क्योंकि जायंट वुड की स्वॉर्ड ना तुम लोगों को नॉकबैक देती है जो कभी कभार यार जिंदा बचने में काम आ सकती है, लाइक तुम दूर से मार सकते हो आई नो, लेकिन फिर भी ना कभी कभार थोड़ा बहुत काम आ जाती है ये चीजें, तो अभी के लिए तो मैं रख रहा हूं अपने पास और बाकी थोड़े बहुत बेड। ओके गलत वाली एक्स से तोड़ रहा हूं। हम लोगों को अब बनाना पड़ेगा गाइस क्या कहते हैं अपना ये आयरन का सामान, ठीक है। मेरे को सच्ची में देखना है कि आयरन, ओ एक मिनट यहां पे स्मिथ है, ओ एक मिनट रुको कहाँ गया वो यही घर से आया था ना भाई, प्लीज़ इसके चेस्ट में थोड़ी बहुत भी आयरन मिल गई ना मेरे को। अरे यार कोई चेस्ट ही नहीं है, ये बेकार वाला है, वो लावा वाला बेस्ट होता है भाई, उसके उसमें चेस्ट ही चेस्ट होती है और सामान ही सामान होता है। हम लोगों को वैसे भी एक और विलेज ढूंढनी पड़ेगी, पहले मैं अपनी जाके जायंट ये ले आऊँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से, इसके बाद कोई दूसरी विलेज भी ढूंढते हैं और हम लोगों को ढेर सारा आयरन भी चाहिए होगा, ठीक है। ये रहना मेरी जायंट क्राफ्टिंग टेबल, देर भी को। तो गाइज मेरे को एक रवीन जैसी दिख तो रही है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये रवीन है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि ये खत्म हो गई है ऑलरेडी। नहीं भाई ये पानी से नीचे को जा रही है। ओ यहाँ पर आयरन भी है, रुको जरा, पहले मैं सबसे पहले, अरे यार अब कैसे होगा, देयर वी गो, इसको तोड़ते थोड़ा सा, फिर इसको तोड़ते पूरा। भाई मुझे वो कोल चाहिए थोड़ा यार प्लीज़। अरे भाई साहब इतनी दूर से कोल निकाल लिया। अब हम लोग बस अपने लिए थोड़ा सा ये बना लेते हैं और देयर वी गो बस, ठीक है। तो चलो गाइस ये देख रहे हो तुम लोग, आयरन चाहिए ना, ये लो यार, ये लो आयरन लो, ये लो रखो यार, क्या चाहिए आयरन ले लो। भाई मस्त, लेकिन यार इसके नीचे जाने में ना मेरे को डर लग रहा है, कहीं पता चला कि पानी खत्म हो गया। मेरे पास 5 ही रॉ आयरन है, हम लोगों को कितना चाहिए होगा मैं बताता हूँ, सुनो बहुत ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले शवल बना के देखते हैं, क्या पता ऐसा हो कि शवल से अभी तक का जैसा होता है, हमें स्टोन मिल गया शवल से फ्री, हम लोगों को लाइक वुड मिल गया था फ्री, तो एक बार शवल बना के देखते। शवल के लिए हमें खाली 9 आयरन चाहिए होगा, राइट। हम लोगों के पास कितना है, हम लोग 5 आयरन है, एक्चुअली 6 आयरन है, तो हम लोगों को बस 3 और आयरन चाहिए होगा। भाई देखा मैं बोल रहा था ना,
ये जगह गड्ढे में है भाई, ये कहीं नहीं ले जा रही है। और मैं मरने वालों मेरे बबल्स खत्म होने वाले। नहीं 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 प्लीज़ नहीं 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 सॉरी 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 गलती से आ गया। वो बच गए भाई। ओके कोई दूसरी केव ढूंढते हैं और जल्दी से आयरन जमा करते हैं। भाई ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है भाई, मजाक नहीं, मैं तो दोबारा बनाऊंगा भाई ये स्वॉर्ड, गारंटीड ब्रो। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्वॉर्ड है भाई। तुम लोग देख रहे हो कितने दूर दूर से मार दे रहा हूँ मैं लोगों को, भाई पता भी नहीं चल रहा है उनको क्या हुआ। ओके यहाँ पे थोड़ा गोल्ड भी पड़ा है, गोल्ड भी रख ही लेते हैं भाई क्या। अरे नहीं नहीं रुको, ये आयरन की उससे तोड़ना पड़ेगा ना, गोल्ड तो ऐसे मिलेगा नहीं। अबे फिर आ गया, इजी भाई। तो गाइस यार देखो मैं ना सामान जमा कर रहा था, तब मेरे को दिखा कि एक्चुअल में देखो ये पिकेक्स बहुत लाइक समझदार पिकेक्स है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो ये तोड़ने को 9x9 का पूरा एरिया तोड़ती है राइट, बट अगर बाय चांस ये कोई ऐसा ब्लॉक आ जाता है बीच में जो कि ये नहीं तोड़ सकती है, तो ये देख रहे हो ये उसको छूती भी नहीं है, ये लिटरली इस गोल्ड के लाइक पूरे के पूरे वेन को छू भी नहीं दिए भाई, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको नहीं तोड़ सकते भाई। ये बहुत सही चीज़ है यार। चलो अभी अपने पास काफ़ी सारा हो चुका है रॉ आयरन, यहीं पर बनाते हैं। रुको जरा अपनी जायंट क्राफ्टिंग टेबल भी रख देते हैं यहीं पे और नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल। अबे यार कोई चीज़ मार दी मैंने। ये करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने लिए बना लेते हैं ढेर सारे, देयर वी गो, ज़्यादा ही बन गए कुछ। और इसके बाद इसमें हम लोग आधा आधा आयरन डाल देते हैं, देयर वी गो, ये हो गए। और थोड़ा सा और कोल जमा करके लेके आता हूँ मैं। ओके गाइस देखो मैं कोल जमा करने आया हुआ था भाई, हम लोगों को डायमंड ही मिल गए भाई। ओ भाई हैं, आए थे कोल लेने, डायमंड मिल गया है, 1 2 3 4 5 डायमंड भाई साहब। भाई हम लोगों को डायमंड के टूल्स बनाने में कितनी ज्यादा इजी हो जाएगा पता है तुम लोगों को, और एक नॉर्मल भी टूल लेके आना चाहिए था, ऐसे तो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे गड्ढे में गिर गए तो। बाकी हमारे पास खाना भी कम है, देख रहे हो 11 खाली बचा हुआ है, तो हम लोग खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये डायमंड्स का भी भाई साहब, उधर गोल्ड है इधर डायमंड है, अरे मजे आ गए ब्रो। अभी अपना सामान बस मेल्ट हो गया, अपने पास बस 9 आयरन आ जाए मेरे ख्याल से, हमको आराम से शवल से फिर हम लोग कितना भी सामान निकाल, अरे हो गया भाई, देयर वी गो। ठीक है तो चलो हम लोग सबसे पहले एक शवल बना के देखते हैं, देयर वी गो। भाई प्लीज कुछ तो दे देना, आयरन के ब्लॉक निकाल दे, कुछ तो कर दे खतरनाक यार। जय हो, क्या है, राइट क्लिक टू बी लेस लोनली, राइट क्लिक टू बी लेस लोन। अबे ये क्या गोलम है भाई, अबे जा कहाँ रहे, रुक जा। वो एक मिनट, अगर इन गोलम को मार के हमको आयरन मिल गया तो भाई एचपी तो इनकी पूरी एक नॉर्मल गोलम जितनी है, बट इनको मार के आयरन मिलेगा क्या प्लीज यार। भाई बहुत इजी हो जाएगा गेम, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे ओके इनको मार के आयरन नहीं मिलता है भाई। ये क्या बदतमीजी है, फिर क्या करूं मैं इनका, ये क्या करूं, आयरन आयरन गोलम की आर्मी बना लूं क्या। इसको देखो। ये भाई दिखने के कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं गाइस, एक एक ब्लॉक लंबे आयरन गोलम, ये सबसे क्यूट चीज है भाई अभी तक का गेम में जो भी हम लोग। उसको देखो वो कैसे चढ़ गया फर्नेस के ऊपर, इनको फर्नेस के अंदर डाल सकता हूं क्या पकड़ के, नहीं ना। तो गाइज यार हम लोगों को आयरन तो माइन करके ही निकालना पड़ेगा, फिर हम लोगों को कितना आयरन चाहिए होगा सोचो, हम लोगों को पहले तो स्वॉर्ड बनानी है, स्वॉर्ड में 18 आयरन लग जाएगा, 18 आयरन के बाद हम लोगों को जाइंट पिकैक्स बनानी है जिसमें हम लोगों को 27 लगेगा। तो एक काम करते हैं, खाली गिनते कितने नॉर्मल आयरन चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 आयरन यहाँ चाहिए होगा, 5 आयरन हो गया, हम लोगों को शवल बना ली हमने, और 3 यहाँ भी चाहिए होगा, तो कितना हो गया 8। अब 8 9 72, हम लोगों को 72 आयरन चाहिए होगा, जिसमें 6 मेरे पास है, ठीक है, 72 आयरन में से 6 मेरे पास है, और हम लोगों को कितना आयरन और चाहिए होगा, रुक जाओ ये अभी पका नहीं ना, ये भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो कितना बचा है, 3 3 6 6 और 8 14 14 ये हो गए, हम लोगों को 72 चाहिए होगा, तो हम लोगों को काफ़ी सारे चाहिए भाई, हम लोगों को ऑलमोस्ट कितना 58 के आसपास और चाहिए। तो 58 आयरन और लेके मिलता हूँ तुम लोगों से यहीं पर, थोड़ी बहुत तो माइनिंग करनी पड़ेगी भाई। भाई सीरियसली भाई गोल्ड मिले जा रहा है भाई, ऐसे मत, अरे भाई और गोल्ड आयरन दे दो यार, ऐसा मत करो भाई। कोई डायमंड है क्या, नहीं लैपिज है, लैपिज लजूला। तो गाइज यार देखो मेरे पास फाइनली जमा हो चुका है 55 आयरन, और बाकी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर भी छोड़ के गया हुआ था, तो अपने पास हो गया। अरे यार कौन मार रहा है, ले बेटे
तू अपनी बो से मारेगा इतनी दूर से, मैं अपनी स्वर्ड से मारूंगा इतनी दूर से। भाई हम लोग हल्के में ले रहे हो क्या हमको? ओके तो गाइस शायद से हमारे पास 64 और कितना हुआ, एक मिनट को मैं सारे नहीं उठा पाएगा। नहीं मैंने सारा उठा लिया शायद से, नहीं हाँ यार, तो हमको थोड़ा सा और चाहिए होगा, बट देखते हैं अभी के लिए ये फेंक देते हैं हम लोग। और हमें और चाहिए होगा थोड़ा सा, बट ठीक है अभी देखते ना, थोड़ा और आयरन निकाल के लेके आएंगे। भाई हमको इतना ज़्यादा डायमंड मिल गया ना रास्ते में, भाई तुम लोग देखोगे अभी तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे अगली चीज़ जो कि होगी हमारी डायमंड की, एक मिनट ये मैंने गलत कर दिया ना, हाँ रुक जाओ भाई, ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ऐसा इजी लग रहा है सोचने में, बट तुमको ऐसे सोचना है कि 9 ब्लॉक 1 ब्लॉक होता है, देखा आया समझ में, 9 ब्लॉक 1 ब्लॉक होता है। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारी जायंट एक्स है ये क्या, राइट क्लिक टू स्पॉन हे ब्लॉक है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ओ भाई ये देखो, अरे भाई गेम को पता था क्या मेरे को खाना मिलना है? अरे भाई कितनी सही चीज है ये, मतलब ये सोचो कि ये एक तरह से उसके लिए भी सही है, देखो ऐसे करके वो। ओके बहुत देर में आ रहा है भाई ये। उस चीज के लिए तो सही नहीं है, रुको फिर से ट्राई करते हैं, अगर हम लोग ऐसे करें और हाँ तो जा रहा है, तो ये हो गया। और अभी अपने पास खाने का तो भाई रुको जरा यार 2 मिनट दोस्तों, अभी दूसरे भी देखेंगे, पहले थोड़ा खाने पीने का तो देख लें यार। देयर वी गो, अरे ये क्या हुआ भाई मैं आगे नहीं बढ़ पाया, अच्छा ये इसकी वजह से। ओके ये सारा का सारा ले लेते हैं भाई, अपने पास खाने पीने की कमी नहीं है अब। हम लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा, मेरे पास ना वुड खत्म हो रहा है, तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बनानी पड़ेगी अपने लिए एक शवल, ठीक है, क्योंकि शवल से आ रहा था वुड। ये देखो भाई अपने पास लकड़ी की, कौन कह रहा है लकड़ी की कमी है भाई, पूरी केव ही लकड़ी की बना दूंगा मेरा बस चला तो। और अब हम लोग बनाने वाले अगली चीज़ जो कि होगी हमारी आयरन की स्वॉर्ड, बना के देखते हैं कि आयरन की स्वॉर्ड में क्या सुपर पावर मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। देयर वी गो, इससे क्या होता है, क्लिक ट्विस्ट टू लॉन्च, अरे रुक जा ए इसी को कर देते हैं, अरे यार ये नॉर्मल स्वॉर्ड है, पास से करना पड़ेगा। ओ ओके तो जो एक्स थी वो हमको छटका रही थी, तो ये इन लोगों को छटकाएगी, रुको जरा यार मुझे ओपन, इसके लिए तो ओपन फील्ड चाहिए होगा भाई, इसके लिए तो ओपन फील्ड चाहिए होगा हम लोगों को। देर ओ ये देखो ये रहा डायमंड, बस रुको देखा तुम लोगों ने क्या हुआ अभी। ओ भाई साहब रुक जा ओके गाइस तो मेरी नई फेवरेट स्वॉर्ड आ चुकी है, बस हाँ ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी जब लाइक हम लोग इसमें खेल रहे होंगे, लाइक नीचे वाली ग्राउंड में, बंद ग्राउंड में खेल लेंगे तो इतनी पावरफुल नहीं रहेगी, बट वैसे तो ये बहुत काम की आने वाली है। और मुझे थोड़ा सा और आयरन चाहिए होगा, हमारे पास 19 आयरन पड़ा हुआ है, हम लोगों को चाहिए होगा कितना 27 आयरन अपनी लास्ट चीज बनाने का आयरन की, जो कि होगी पिकैक्स, तो आयरन की पिकैक्स बनाने चलते। ये तो शवल तो यूजलेस है भाई, इससे लाइक छोटे छोटे गोलम जरूर आ रहे हैं, पर उन छोटे गोलमों का मैं क्या अचार डालूंगा क्या? तो गाइज अपने पास आई थिंक करेक्ट 27 हो चुका है, एक और आयरन पड़ा हुआ है, बट अब तो आई डोंट थिंक हम लोग को आयरन की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लोग एक लास्ट चीज बनाते गाइज, जो कि हम लोग को आयरन से बनानी थी, वो है एक आयरन की पिकैक्स। और वैसे ही मेरी आयरन मतलब मेरी स्टोन की पिकैक्स वैसे भी टूटने वाली है, तो वो भी किसी काम की नहीं है। अब देखते देखो इसमें कोई ऐसी सुपर पावर जैसी तो नहीं है, बट बॉय साहब अरे ये 4x4 तोड़ रही है, देख रहे हो तुम लोग, जैसे वो 3x3 तोड़ी थी, ये देखो 1, 2, 3, 4 ब्लॉक ऐसे। ओ भाई एक मिनट, 3x3 के क्यूब को क्यूब बोलते हैं, मतलब 3x3 को क्यूब बोलते हैं, 4x4 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल, मतलब पता नहीं, मतलब मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम लोगों को पता है कोई मैथ्स वैथ्स वाला स्टूडेंट है तो बताना मुझे, ठीक है। और बाकी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास 7 गोल्ड हो चुका है, और मैंने बहुत सारी जगह पे डायमंड और गोल्ड छोड़ के आया, वो जल्दी से पहले वहां से सामान उठाते हैं। देर वी गो हमारे डायमंड भाई, तुम्हारे भाई को बहुत सारा सामान मिला था, बट हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि अपने पास आयरन की पिकैक्स नहीं थी, बट अब अपने पास आयरन की पिकैक्स है तो वाई नॉट सर, सारा का सारा सामान ले लेंगे। देर वी गो, और अपने पास हो चुका है कितना डायमंड, ये छोड़ देते हैं अब, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अरे भाई काम की चीज़ उठाना, 4 डायमंड हुआ अपने पास अभी तक बस। ओके 5 डायमंड हो गया भाई, मेरे को एक नॉर्मल पिकैक्स भी बनाई लेनी चाहिए, रुक जाओ यार भाई वरना मैं ऐसी ही जगह पे फंसते रहूँगा। गाइज अपने पास अभी हो चुका है 5 डायमंड और कितना गोल्ड, 7 गोल्ड, राइट। हम लोग सबसे पहले सीधी सी बात है शवल बना के देखने वाले, क्योंकि लाइक अभी तक तो शवल ने हमें काफ़ी अच्छा ट्रीट किया हुआ है, दोबारा देखते हैं अगर हो जाए तो अपने पास गोल्ड कितना हो गया है, एक शवल बनाने लायक गोल्ड हो जाए, बस 12 गोल्ड हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई। ओ भाई यहाँ पर गंदी आवाज़ आ रही है, पहले तो सबसे पहले लाइट उठा लेते हैं, इधर देखो, चलो ये वाला गोल्ड भी उठा ही लेते हैं, अब मिल ही रहा है तो। और नीचे भी मैं एक डायमंड छोड़ के आया था, वो डायमंड भी उठा लेते हैं, कहाँ पे देखा था मैंने वो डायमंड मार्क किया था यार शायद से, वो यहाँ पर भी तो है डायमंड, वो देखो। अरे रुको भाई, डायमंड की तो बरसात हो रही है, हमारे पास खाली 4 डायमंड है अभी के लिए,
टिप टिप बरसा डायमंड, वो 8 डायमंड हो गया, मैं सिर्फ 1 डायमंड और चुका अपनी शवल बनाने के लिए। और होपफुली यार ये आयरन की शवल जैसी यूजलेस ना हो भाई, अभी तक का हम लोगों को लाइक वुड की शवल ने भी बहुत अच्छा काम दिया है हम लोगों को, उसकी शवल ने भी, ओ ये रहा, हम लोगों को क्या कहते हैं उसे, स्टोन की शवल ने भी बहुत बढ़िया करा है भाई, वो पूरा एक कॉबल स्टोन का ब्लॉक ही मंगा दिया था उसने। बट अभी तक का आयरन की शवल सबसे बेकार रही थी, छोटे छोटे गोलम बुला लेती, कुछ देते हैं नहीं गोलम, खाली इधर तो घूमते रहते हैं, बता रहा हूँ तुम्हें मैं सही में भाई, बेकार है एकदम। चलो चलते हैं ऊपर को अपनी जाइंट क्या कहते हैं उसके पास, क्राफ्टिंग टेबल के पास, और देखते हैं भाई क्या सामान है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम लोग बनाते हैं अपना अगला सामान जो कि होगा डायमंड का। एक्चुअली गोल्ड को ना तब तक का पकाने के लिए रख देते हैं जब तक हम लोग ये कर रहे हैं, तो क्योंकि सीधी सी बात है मेरे को पता नहीं है भाई अगर गोल्ड का सामान नहीं मिला, देखो डायमंड का नहीं मिला तो हम लोग को डायमंड यहीं से ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारा डायमंड लगेगा, ऑलमोस्ट 72 डायमंड, क्योंकि अपने पास खाली 10 ही है ना अभी के लिए, तो इससे एक शवल बन सकती है बस। लेकिन हाँ इसमें दिक्कत हो जाएगी कि भाई गोल्ड तो हम लोगों को फिर वहीं से जाके लेना पड़ेगा, लाइक मैं तो फिर नेदर से बनाऊंगा गोल्ड का सारा सामान, अगर बाय चांस शवल गोल्ड नहीं बनाती होगी तो। बट अभी के लिए देखते हैं, अभी के लिए तो हमारे पास डायमंड काफी है तो डायमंड की शवल बना लेते हैं, देयर वी गो। और ये 3 हटा देते हैं यहाँ पर से और डायमंड लगा देते हैं बीच में, और ये आ गई हमारी जॉइंट डायमंड शवल। भाई साहब, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी होती जा रही है, देख रहे हो कितनी बड़ी लग रही है। ओ भाई ये देखो, ये वुड है ठीक है, ये देखो वुड नॉर्मल छोटी, ये आयरन देखो कितनी बड़ी, और डायमंड देखो कितनी बड़ी है भाई, मजाक जैसी हो रही है यहाँ पे आई मीन मजाक जैसी कर रखी है भाई। चलो देखते हैं डायमंड से क्या होता है, राइट क्लिक टू स्पॉन अ जायंट डायमंड ब्लॉक, सीरियसली ब्रो, टिप टिप बरसा डायमंड, भाई मजे आ गए, भाई मजे ही आ गए दोस्त। अरे ये हटा ले कॉबल स्टोन डीप करा, हटो भाई पहले तो मेरे को मेरा सारा का सारा गोल्ड दो और उसके बाद बात होगी, रुको जरा। सबसे पहले हम लोग स्वॉर्ड बना के देखते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों को चाहिए नया हथियार चाहिए, लाइक आयरन की स्वॉर्ड बहुत तगड़ी है, मैं मजाक नहीं करूंगा, लेकिन इसकी स्वॉर्ड से क्या होता है मेरे को ये देखना है ठीक है। तो डायमंड स्वॉर्ड से क्या होगा, द इंस्टा किलिंग वेपन, मतलब रुको जरा, ये गोलम की एचपी बहुत होती है ना। ओ भाई तो ये वन शॉट किसी भी चीज को मार देगा क्या भाई, क्या सही है ये, कहाँ छुप रहा है, बेड़े मुझसे आपको पंगे मत ले लेना, समझ गए ना, आना मत मेरे सामने भाई। पहली बात तो ये थोड़ा सा सफाई मांग रही जगह, नहीं यार छोड़ो यार, ये अच्छे लग रहे, क्यूट क्यूट से लग रहे यार, इनको मारने में बुरा सा लग रहा है थोड़ा सा इससे। ओ भाई इससे हम लोग एक बार एंडर ड्रैगन को मार के देखेंगे कि एंडर ड्रैगन वन शॉट मारेगा कि नहीं ठीक है। और बाकी हम लोग दूसरी चीज़ें भी बना के देखते हैं भाई, मेरे को एक चीज़ में मजा आ जाता है, हम लोग उसी में लगे रहते फिर। ओके हम लोग बनाने वाले हैं डायमंड की पिकैक्स, ओके लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है डायमंड की पिकैक्स से। ओ भाई साहब कितनी बड़ी पिकैक्स है ये, ओ भाई भाई ये पूरा एक चंक हटा रही है क्या, और इसमें सिल्क टच भी है ऊपर से। अबे तू मुझे मारेगा, तू इधर आ जा रहा, इंस्टा किल सुना तूने मेरा, अबे डर के रहना मुझसे, अब बता दे गोलम इनको कौन हूं मैं। भाई ये 16x16 तोड़ रही है, वो देखो वो डायमंड मिल गया हमको इतने में ही। अब हम लोग बना के देखते हैं क्या बचता है, एक एक्स बचती है बस डायमंड की ठीक है। तो डायमंड की एक्स भी बना के देख लेते हैं एक बारी, डायमंड की एक्स में क्या है ऐसा पावरफुल, भाई मैं तो दीवाना हो गया भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इसकी भाई हर ही चीज़ अच्छी है ठीक है ना, एक भी नहीं, मैं कोई एक चीज़ का नाम ही नहीं ले सकता भाई। ये करती है रिप्लेसेस ब्लॉक विद TNT, मतलब राइट क्लिक से तो कुछ नहीं हो रहा है, रुको जरा मिट्टी तोड़ के देखते हैं, मैं भी तोड़ने से होता होगा भाई, पत्थर तो अगले जन्म। ओ भाई, ओ भाई साहब तो मतलब कि अगर मैं मिट्टी लेके चलूं अपने साथ तो एक तरह से मिट्टी को मैं TNT बना सकता हूं भाई, और मिट्टी भी क्यों, प्लैंक ज्यादा तेज टूटेगा ना इससे, तो रुको ट्राई करके देखते हैं। हाँ ना, ओ भाई साहब तो मतलब जो प्लैंक मेरे पास है वो एक तरह से TNT का काम करेंगे, देख रहे हो तुम लोग, ओके नॉट बैड, लाइक ऐसा बहुत क्रेजी भी नहीं है, क्रेजी तो है सच्ची बताओ तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भाई क्या ही खतरनाक चीज़ है ये भी।
लेकिन स्वॉर्ड और इसका पिकैक्स का तो दीवाना हो गया भाई, मैं देख रहा हूँ क्या गंदगी मचा दी है, गंदगी नहीं एक्चुअली सफाई कर दी हम लोगों ने। तो गाइस चलो अब गोल्ड का सामान बनाते हैं, आई होप मेरा सारा का सारा गोल्ड स्मेल्ट हो गया होगा। अच्छा एक्चुअली अपने पास कम से कम एक शवल बनाने का गोल्ड तो था भाई, प्लीज़ यार प्लीज़ भाई, मैं मजाक नहीं रहा सच्ची में यार, कुछ ऐसा गोल्ड के भी ब्लॉक ब्लॉक दे दे यार भाई शवल, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ऐसा कुछ हो सकता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ यार कर दे यार, देख मुझे निराश मत करना शवल, ठीक है दोस्त, तू मेरा दोस्त है। गोल्ड की शवल दे दो, इससे होता क्या है राइट क्लिक, बस भाई हो गया अपना काम हो गया। अरे ओके इससे नॉर्मल ब्लॉक यार, अबे यार तो अपना सारा का सारा गोल्ड के टूल्स भी बन जाएंगे आराम से। तो चलते हैं भाई फटाफट से देखते हैं सारे के सारे गोल्डन टूल्स क्या करते हैं, ठीक है। देयर वी गो गाइस, हमारी गोल्ड की दीवार तोड़ के हम आ चुके हैं, देयर वी गो, मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डायमंड की पिकैक्स और ये एक्स, भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो सही है ना भाई, 16-16 ब्लॉक तोड़ो और उसके बाद सीधे जंप करके आ जाओ भाई, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है। अभी हम लोग आराम से अपने लिए यार देखो डायमंड के टूल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पर रुइन भी मिल गया एक, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, मतलब क्या ही होगा यहाँ पर, कितना ही अच्छा होगा सामान। ओके फायर प्रोटेक्शन और स्वॉर्ड है मेंडिंग वाली, फायर चार्ज का भी अपने को कुछ काम नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपनी जॉइंट क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रखते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग अपनी नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल भी यहाँ पर रखते हैं। ये देखो ये है क्राफ्टिंग टेबल की मम्मी और ये है उसका छोटा सा बच्चा। तो गाइस चलो अब हम लोग बाकी का सामान भी बना के देखते हैं, हमें ये तो पता चली गया कि हम लोग कितना भी गोल्डन सामान निकाल सकते हैं। मेरा वो अभी मैं मर गया था भाई। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने लिए पहले थोड़ा सा आर्मर बना लेते हैं, ठीक है। ये पैंट और ये बना लेते हैं सबसे पहले, तो ये फेंक देते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। एक हेलमेट चाहिए होगा, हेलमेट हम लोग इसकी जगह फेंक देते हैं, और बूट्स चाहिए होंगे, देर वी गो, ठीक है। हेलमेट बूट्स ये सब लगा लेते हैं, देर वी गो, ठीक है। तो हम लोग पूरे तैयार हो चुके हैं भाई, डायमंड का अपना आर्मर हो चुका है, 2 सेकंड में बनाया बिल्कुल सही मजाक सेट के, सच्ची में 2 सेकंड का काम था वो। अब हम लोगों को बस ढेर सारी ये चाहिए होंगे स्टिक्स, और अब हम लोग अपना अगली चीज़ बनाने वाले हैं जो कि होगी एक गोल्ड की पिकैक्स। वैसे एक्चुअली मेरे को पता है गोल्ड की पिकैक्स थोड़ा डायमंड से लाइक कम ही देगी, लेकिन हाँ आयरन से ज़्यादा तोड़ेगी और डायमंड से कम तोड़ेगी, इतना मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि सारी पिकैक्स ऐसी हैं कुछ लाइक सुपर पावर पिकैक्स की यही है कि वो ज़्यादा ब्लॉक तोड़ती हैं। ओ भाई साहब ये आई थिंक कितना तोड़ गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5x5 क्लियर कर दे रही है एक ही बारी में, ठीक है। तो ये 5x5 क्लियर कर दे रही है और उसके साथ साथ भाई, अरे ये तो एक मिनट यार ये ट्राई करते किसी पे भाई, कोई तो मिलेगा भाई यार, अभी विलेजर होता ना मजा आता भाई, विलेजर को उड़ा उड़ा के, रुक जा मेरे को दिख गए हमारे अगले शिकार दिख चुके हैं मुझे दोस्तों, बाय हैव अ ग्रेट टाइम। मर गई क्या वो एक ही शॉट में, अरे ये मर रहे हैं क्या, आसमान में तो कुछ भी नहीं है भाई, लॉन्च हो रहे मर रहे हैं, मर रहे हैं शायद से दोस्तों। हेलो भाई मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है, ओ ओए ओए उरे भाई भाई आसमान से सुअर, और मैंने कुछ नहीं किया यार मुझे मत देखो। तो गाइस अगली मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम लोग बना के देखते हैं एक आखिरी चीज जो कि होगी हमारी आयरन गोल्ड की स्वॉर्ड, ठीक है। तो देखते हैं गोल्ड की स्वॉर्ड हम लोगों को क्या देती है भाई, प्लीज कुछ क्रेजी दे ना मजा आ जाए। दिस स्वॉर्ड इज एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, एक मिनट इस स्वॉर्ड में लूटिंग वूटिंग है क्या भाई, ये भी फॉर्चुनेट फॉर्चून ना हो भाई यार, मैं पत्थर नहीं तोड़ना चाहता स्वॉर्ड से है। ये कितना है, ओ 52 रॉ मटन, ओके भाई ये है तो भाई इसमें लूटिंग है क्या, ओ भाई ब्लेज ब्लेज मारने में क्या मजा आएगा, भाई इतना पोक चॉप तो मेरी पुश्तें खा सकती हैं भाई, ये तो मजा आ गया भाई। लेकिन ये बहुत जल्दी टूट रही है देख रहे हो, ये हमें ढेर सारी रखनी पड़ेगी। हम लोग ढूंढते हैं एक एंडरमैन को और एक ब्लेज मारेंगे हम लोग इससे सिर्फ और सिर्फ भाई इजीली। रुको एक काम करते हैं थोड़ी सी और बना लेते हैं अपने लिए, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग को थोड़ी सी और बना लेनी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ 2 या 3 तो बना ही लेते हैं, ऐसे करते 2 और बना लेते, 2 1 है
दो और बना लेते हैं बस। अब हम लोग बनाते हैं अपनी गोल्ड की एक्स। मैंने अभी तक एक्स बना के नहीं देखी हुई है, तो मेरे को एक बार बस ट्राई करना है कि एक्स में क्या मिलता है। मेरे को नहीं लगता कुछ क्रेजी ऐसा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डायमंड की एक्स भी इतनी खतरनाक नहीं लगी मेरे को। मतलब अच्छी थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ कूल नहीं थी। देखते हैं इस वाली में क्या होगा। लाइक डायमंड की एक्स ग्रेनेड निकालती थी यार, मतलब ग्रेनेड समझ रहे हो ना तुम लोग। देखते हैं एक बारी इसमें क्या होता है। गोल्डन एक्स से क्या होता है, लवली जुबली ट्रीज, मतलब जो मैं भी पेड़ काट के देखना पड़ेगा। लवली जुबली ट्रीज क्या है भाई ये? ओ आसमान में उड़कर देखा। ओ भाई भाई, एक सेकंड में पूरा पेड़ और उसके सारी सारी सामान भी गायब कर दे रही है। अरे इसने तो स्काई ब्लॉक की याद दिला दी भाई हमारी ट्री कैपेसिटर की। अभी के लिए तो हम लोग चलते हैं फटाफट से लावा पूल ढूंढते हैं, नेदर में जाते हैं, ट्राई करते हैं वॉर्प्ड अगर चले गए बायम तो, नहीं तो अगर बाय चांस हम लोग कहीं पे आसपास ही भाई कोई एक आ जाए एंडरमैन, बस उसको भाई मुझे एक बार इस गोल्डन स्वॉर्ड से धूसना है और आई थिंक अपना काम हो जाएगा। तो गाइज यार मेरे पास एक आइडिया आया, लाइक हम लोग जब जा ही रहे ढूंढने के लिए, तो हम लोग एक्चुअल में ना अपनी जो स्टोन की एक्स है भाई, जो सबसे पहले बनाई थी हमने एक तरह से, उसको हम लोग स्काउटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये हमें हवा में उड़ाएगी और उसके बाद ओए हमारे बगल में ही था। वाओ ओके, अब बस नीचे आने की देरी है। बूम बेबी। भाई यार तुम लोग एमएलजी उमलजी तो ऐसी हो जाती है भाई। तो अब फटाफट से बनाते हैं यहाँ पर अपना पोर्टल और उसके बाद निकलते हैं भाई। और रुक जाओ भाई, एक्स सही वाली यूज करना, डायमंड एक्स गलती से भी यूज मत कर देना भाई यहाँ पर। अभी अपने पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे। देखो भाई काम करने के तरीके होने चाहिए भाई, लगन होनी चाहिए, लगन। अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आओ इसमें आग लगेगी और ये इसको जला देगा। तो गाइज यार थोड़ा सा टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, आग तो लग गई ना भाई, अपना काम बन गया है, अपने को बिल्कुल फ्लिंट एंड स्टील की जरूरत नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं लिटरली जलने वाला था, पता तुम लोगों को, थोड़ी देर और रुकता तो वहाँ। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ढूंढना है अपने लिए फोर्ट्रेस, और उसके बाद एक अगर वॉर्प्ड बायोम मिल गया तो सही है, वरना तो भाई हम लोग कहीं ना कहीं पे ढूंढ ही लेंगे। लाइक एंडरमैन तो यार ओवरवर्ल्ड में हम लोग कहीं ना कहीं ले ही लेंगे, लाइक खुद स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर ही कितने मिल जाते हैं, राइट। ओके यहाँ पर एक वो तो है, लाइक क्रिम्सन बायोम तो है, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल में जो चाहिए वो है एक वॉर्प्ड बायोम और एक भाई अपना फोर्ट्रेस। देखो फोर्ट्रेस तो चाहिए, वॉर्प्ड बायोम अगर नहीं भी मिलेगा ना तो एक बार के लिए चलेगा, बट फोर्ट्रेस जरूरी चाहिए। और बाकी ये लोग मेरे को पक्का पता है कि मेरे से पंगे लेने आएंगे, तो या पहले ही मार दो भाई सबको, देख रहे हो। अरे भाई साहब वॉर्प्ड बायोम मिल गया, व्हाट, वाह मुनी। ओके नीचे उतरने का थोड़ा चैलेंज रहेगा, बट यस सर नीचे उतरने का चैलेंज तो हम लोग पूरा कर लेंगे। बट बेस्ट बात ये कि हम लोगों को एक्चुअली वॉर्प्ड बायोम मिल गया भाई। रुको यहाँ से किसी पेड़ तक का चले जाते हैं। तो गाइज देखो मेरा आइडिया क्या है, ठीक है, जो मेरे को लग रहा है कि मेरे को करना चाहिए वो ये है कि जो लाइक गोल्ड की स्वॉर्ड है ना, ये ठीक स्वॉर्ड है, बट यार ये ना मारती बहुत धीरे धीरे और भाई टूटती बहुत जल्दी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसको लो करूँगा मैं डायमंड की इससे, और उसके बाद मारूंगा गोल्ड की उससे। अरे यार पूरा ही मार दिया क्या? ओके तीन शॉट्स तक बच सकते हैं, उसके बाद नहीं मार सकते, ठीक है, तीन शॉट्स तक मार सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं मारना है। तो चलो चलते हैं भाई आगे को, हम लोगों को और ढूंढने पड़ेंगे। मेरे को देखना है भाई कि एक ही मार के हो जाएगा क्या अपना काम। हेलो हेलो मिस्टर एंडरमैन, एंडरमैन भाई एक भी नहीं है यहाँ पे, व्हाट यू हैक भाई, एक ही था क्या जिसको मैंने मिस कर दिया मारना, यार ऐसे मत बोलो यार। तो गाइस यार मेरे को एक जगह मिल गई है जहाँ पर तीन तीन एंडरमैन है भाई, ये लोग छुप रखे थे यहाँ पे, इस कोने वाले को पकड़ते हैं भाई। यार एक तो इतने बड़े टूल है, ऐसा लगता है इतनी दूर से मार ही देंगे। ओके अब इससे मारेंगे हम लोग। ओके कितने मिली? यस हम लोगों को दो स्टैक मिल गई भाई, दो स्टैक, सुन रहे एंडरमैन, दो स्टैक, सुनेगा कैसे, तू तो मर गया, वन हिट ओनली ब्रो। वो भाई इस पे मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी, गाइस हम लोगों के जस्ट बगल में था ये। अबे यार एक ही चीज की दिक्कत है कि ये ओपन में है यार, ओपन वाले ना बहुत बीटी करते हैं। देखो अभी ओके दो बार नहीं मार सकता, सिर्फ एक बार इससे मार सकता हूँ। ओह नो तू नहीं, तेरे से लड़ाई नहीं मेरी, तेरे से लड़ाई नहीं है मेरी, बदतमीजी मत कर भाई। एक मारनी है कोने में ले जाके किसी को मार देता हूँ। ओ भाई मेरे से पहले यहाँ पे सुअर आए हुए हैं और उसके हैं
What? What? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को क्रॉसबो पकड़े हुए देखा है ब्रो। चलो गाइस यहां से चलते हैं फटाफट से। किस साइड को है डायरेक्शन? इधर को है। ओके चलो प्लीज टूटना मत दोस्त। इवन तो मेरे पास बहुत ज्यादा है बट फिर भी पता नहीं क्यों यार मेरे अंदर से वही आवाज आती ना कि टूटना मत यार बस भाई प्लीज यार जो भी करेगा टूटना मत। जिंदगी सवार दूं एक नई बुहार दूं दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं तितली बन उड़ूं या जायंट स्टोन एक्स। आ आ आ मैं हूं एक उड़ता बंदा अंशु बेस्ट। ओके भाई हेलो। प्रोफेशनलिज्म देख रहे हो तुम मेरा प्रोफेशनलिज्म। और भाई एक चीज ध्यान दी तुम लोगों ने? ओ भाई मैंने अब भी देखी ये चीज भाई। हम लोगों को भूख भी नहीं लगी जितनी देर हम उड़ रहे थे। मेरे 38 के 38 बचे हुए हैं भाई ब्रेड। ओ भाई हम लोगों ने कम से कम नहीं भी तो 1000-2000 ब्लॉक्स कवर करे भाई। और मेरे को बिल्कुल ही खाना खाना नहीं पड़ा। लाइक 2 या 3 फूड कम हुआ मेरा भाई। यार ये ना ये चीज चाहिए भाई मेरे को रियल लाइफ में चाहिए। मतलब रियल लाइफ में तो नहीं चाहिए भाई ऐसा। रियल लाइफ में बाल्टी से बच के तो जमीन पे नहीं आना चाहूंगा मैं और ना ही पानी में कूद के अपने टांग टूटवाना चाहूंगा। बट ये देखा मुझे पता था भाई मुझे पता था यहाँ षड्यंत्र रच रहा है कुछ। मतलब षड्यंत्र नहीं रच रहा है बट स्टिल यहीं पर है। यहीं पर है भाई यहीं पर है गारंटीड ब्रो। क्योंकि मैं यहीं से अभी आया था तो इसने फिर पीछे दिखाया भाई। हम लोग एक मिनट यार यहीं पर तो आया था मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे सारे टूट रहे हैं। हेलो पहले एक भी नहीं टूटा अब सारे टूट रहे हैं। चलो दोस्तों इट्स टाइम टू गो। ओ नो भाई थोड़ा ध्यान से हाँ थोड़ा बच के हाँ। मैं लिटरली फॉल डैमेज से मर जाऊंगा अगर ऐसी रहा तो। भाई मैं सही तो जा रहा हूँ ना। ओ पहुंच गए। अब फटाफट से ढूंढते हैं भाई। मैं तो पूरा लिटरली चाहूं तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ही तोड़ सकता हूँ भाई। देखा जाए तो मतलब ऐसे तोड़ूंगा नहीं बट फिर भी। हाँ इस साइड को जाना है। ओ ओके स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। और किस्मत भी अच्छी है भाई देख लो कितना सही तोड़ा हम लोगों ने टाइम पे। अरे जाओ बे वन शॉट वन किल है भाई। ओ नहीं नहीं रुक जाओ अभी चांस नहीं लेते ना खाली कुछ हो गया इधर उधर तो। चलो भाई ये देखो इसमें एक भी नहीं लगा हुआ है। ओ भाई बच गए हम लोग। इनको फेंक देते हैं भाई ये नहीं चाहिए मुझे ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों ड्रैग मेरे को ट्राई करना है। मजाक नहीं हो मेरे को ट्राई करना है एक बार कि क्या हम लोग ड्रैगन को वन शॉट वन किल कर पाएंगे। तो गाइज यार तुम्हारे भाई ने अभी इतनी ज्यादा कूल एमएलजी करी ना यार मैं क्या बताऊं। मैं लिटरली वहां पर स्पॉन हुआ था कहां वो रहा वहां पर स्पॉन हुए यहां से मैंने ये एक्स वाली एमएलजी करी यहां पानी डाला और बाद में देखा कि मेरा रिकॉर्डर रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसको एकदम से रिकॉर्डिंग तोड़ दी उसने। बट यस हम लोग आ चुके हैं यहां पर। और जरा इसने किसी ने तो मेरे पर हाथ चलाया था पीछे जरा है ज्यादा तेज बन रहे हैं अपने आप को बहुत तेज बन रहे बेटे। ऐसे मारूंगा ना पता भी नहीं चलेगा किसने मारा। रोते रहोगे बस। ओ एक मिनट अगर मैं बेडरॉक के बगल वाला तोड़ दूं। ओ भाई ये बेडरॉक भी तोड़ देता देख रहे हो। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं तोड़ा। तो यार ये इसने अपनी गंदगी फेंकी ना यार ये शायद से अब नीचे ना आएगा इस क्योंकि मैंने इसका बेस तोड़ दिया है। बट आई एम नॉट श्योर ठीक है मेरे को ऐसा पक्का नहीं पता है। होपफुली आ जाए प्लीज आ जाए। बस एक शॉट बजानी है यार शॉट लगानी है। आ जाना प्लीज प्लीज नीचे आ जा। तो गाइज मेरे को लगा था कि ये नीचे नहीं आएगी बट एक्चुअल में ये आ रही है। और मैं गधा हूँ क्योंकि मैंने जगह बिल्कुल नहीं बनाई है इसको मारने के लिए क्योंकि ये सीधे उड़ा देगी मैं देखा करने लगी थी हरकत। ओके लेट्स सी वन शॉट वन किल। ओके मेरे को लगा अबे तू हट ले यहाँ से भाई तेरे को ड्रैगन मारते दिख नहीं रहा क्या? अरे भाई ये वापिस बन गया। तो चलो गाइज वन शॉट वन किल से हमने ड्रैगन मार दिया और यहीं पे खत्म करते हैं गेम को। बट गाइज यार मैं एक्चुअली सोच रहा था कि एक मिनट अगर बाय चांस हम लोगों के पास सारे टूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े दिखते हैं तो जिससे मैं मरेंगे तो वो सामान कैसा दिखेगा। मेरे को लिटरली देखने का बहुत ज्यादा मन था तो एक बार ही देखते हैं जरा कि क्या होगा। देयर वी गो। और अब की बार मैं एमएलजी नहीं करने वाला हूँ ठीक है। एक बार देखो कैसा लग रहा है।
ओ भाई साहब कितने बड़े बड़े भाई, देखो कितना क्लियर दिख रहा है कि लाइक डायमंड स्वॉर्ड थोड़ी बड़ी है गोल्ड स्वॉर्ड से, आयरन स्वॉर्ड थोड़ी और छोटी है भाई। कितना मस्त लग रहे हैं ये बड़े टूल्स भाई यार, काश ये नॉर्मल वर्ल्ड में भी होते। तुम लोग बताओ भाई तुम्हें कैसे लगे। गाइज यार आज तो ड्रैगन को हराने में कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने गलती से वो जो पूल था वो तोड़ दिया था, बट ठीक है कैसे भी भाई आई गई वो नीचे और हमने मार ही दिया। और भाई साहब यार सारे के सारे जायंट टूल्स में क्या ही पावर्स थी, तुम लोग बताना तुम्हारा फेवरेट कौन सा था। लाइक अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मेरे को तो यार डायमंड शवल भी अच्छी लगी थी क्योंकि उससे डायमंड का ब्लॉक निकल जा रहा था, और डायमंड की एक्स भी पिकैक्स भी बहुत बढ़िया थी। पिकैक्स तो भाई तुम लोग कितना पता नहीं एक एक चंक एक साथ तोड़ सकते थे, वो बहुत क्रेजी चीज़ थी। और बाकी लेकिन अगर सब में पावरफुल देखा जाए तो यार अपनी डायमंड की स्वर्ड ही थी आई गेस, जो कि वन शॉट वन किल कर रही थी, तो वो तो भाई किसी के लाइक आस पास भी नहीं आती है। बट तुम लोग बताना कि तुम्हें सबसे बढ़िया कौन सी लगी। बाकी यार इस वीडियो को भी लाइक करना, जिसने भी लाइक नहीं करा है भाई 1,00,000 लाइक का गोल लगा रखा है, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो मेरे दोस्तों यार, 2.5 मिलियन भी तो देखने जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।